बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हमारे किचन में बन रहा है विदाउट ओवन कपकेक, वो भी दो फ्लेवर में, वनीला और चॉकलेट। विदाउट ओवन बन रहा है तो इसके लिए हमने एक जो घर में कुकिंग के लिए यूज़ नहीं होता वो आपने बर्तन ले लेना है, तसला वगैरह कोई। उसके लिए ये है कि आपने 10 मिनट पहले, जितनी देर आपने कपकेक की तैयारी करनी है उतनी देर में हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दूध, ये वाले 6 स्पून है, ठीक है जी, टेबल स्पून है, ये 6 टेबल स्पून दूध ले लिया है, ठीक है। अब हम इसमें 6 ही सादा वाइट विनीगर के 6 ड्रॉप ही डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने दूध को कर लिया, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हमने एक साइड में रख देना है, ठीक है जी। अब हम एक लेंगे बाउल जिसमें हमने सारी मिक्सिंग करनी है। हम करेंगे अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये हमने ले ली एक स्ट्रेनर। अब हमने ये टेबलस्पून लेने हैं 8, ये बिल्कुल लेवल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले लिया मैदा, आपने मैदा फ्रेश लेना है, पुराना ना हो और साफ सुथरा हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा जी, अब हमने ले लेनी है चीनी, ये जो घर में इस्तेमाल होती है मैंने उसे ग्राइंड किया है, ये बिल्कुल अच्छा फाइन पाउडर में हो, ठीक है, इसमें बिल्कुल दाना नहीं है शुगर का। ये हमने तकरीबन ये टेबलस्पून ले लेने 10, ठीक है जी। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको भी हम लेवल लेंगे बिल्कुल, ये लेवल। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने शुगर ऐड कर ली है, अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर वन टीस्पून। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये बेकिंग पाउडर है बिल्कुल लेवल, 1 टीस्पून। अच्छा जी, अब ये है जी बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल 1 पिंच के बराबर, ये देखें, इसे भी थोड़ा सा हम कम लेंगे, ये डन, ये जी हो गया। अब 1 पिंच के करीब ही हम थोड़ा सा साट देंगे, 1 पिंच के करीब करीब, ये देखिए जितना हमने मीठा सोडा लिया है उतना ही हम साट ले लेंगे, डन हो गया। अभी हम इसे आराम आराम से इसको छान लेंगे, ये हम थोड़ा सा नीचे जाए ताकि उड़े नहीं और ये इनकी मिक्सिंग भी इधर ही होती जाएगी। हाँ जी, ये हमने सारा पाउडर जो था, ये सारी चीज़ें हमने चीनी, मैदा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हर चीज़ हमने अच्छी तरह छान के इसको मिक्स कर लिया। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, ये 1 अंडा पूरा, ठीक है, आपने लहदा से इसको तोड़ के देख लेना है, बाद बात खराबी होता है। बिस्मिल्लाह, हमारे ये हमारा चला गया, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए जी, ये ऑयल है, सिंपल जो हम कुकिंग में यूज ऑयल है मेरा ये। अच्छा जी, ये मैंने 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। अब हम 1 टेबलस्पून ये मक्खन ले लेंगे, ये तकरीबन 1 के करीब, अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। पहले हम ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे,
अच्छा वीवर, ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया आयल और मक्खन डाल के। अच्छा मक्खन से ये बड़े मज़े के सॉफ्ट बनते हैं, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसे बड़ा अच्छा बनता है। अच्छा वीवर, अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसकी जगह आप हाफ और आयल डाल सकते हैं, हाफ चम्मच। ठीक है, अब हम इसमें जो सिरके वाला दूध था वो हमने ऐड करना है, और हम इसको इतना ऐड करेंगे कि ये इसका ना मिक्सचर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा और रिबन फॉर्म में आ जाए, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2, 3, यह अभी हमने 3 डाला। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाँ जी व्यूअर, ये देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छी लिक्विड बन गया हमारा। ये देखें जी, इसका बैटर देखें ज़रा, ये रिवर फॉर्म में आ गया। अच्छा ये दूध का मैं आपको बता दूँ, दूध मेरा इतना बच गया, ये तकरीबन ये वाली जो मेजरमेंट की थी मैंने, ये 1.5 बच गया मेरा। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने ये वाला स्पून है ये 1/8 teaspoon है ये। अच्छा जी 1/8 teaspoon हमने ले लिया वनीला, ये हम डाल देंगे। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको बता दूं, अब आपने जो भी इसमें चीज़ डालनी है उसको हमने फोल्ड करना है, मिक्स नहीं करना। अगर हम इस तरह करेंगे तो वो बैठ जाएगा, कपकेक अच्छे नहीं बनेंगे। ये केक हो या कपकेक हो, ये मेथड जो है ना इसी तरह हमने फॉलो करना है बस। अब हम इसको, हाँ जी व्यूअर्स, अब हम इसमें 1 tablespoon भर के डालेंगे कोको पाउडर का। ये चला गया जी। अब इसे हम जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह हमने इसको करना है मिक्स। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम साथ दूध डालेंगे, लेकिन डालना पड़ता है क्योंकि इसको दानेदार नहीं बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी, साथ साथ दूध डालती जाऊंगी। साथ हमारा बर्तन भी प्री हीट हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, आपने जो ऊपर होल वाला अगर किसी का जैसे मेरा है लिड, तो आपने उस पर आटा लगा लें या किसी तरीके से भी आप अपने हिसाब से उसे बिल्कुल बंद कर लें ताकि उसकी हीट बाहर ना निकले। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये अपनी ज़बरदस्त रिबन फॉर्म में आ गया, अब ये डन हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें वनीला तो डाल लिया, अब हम इसमें चाहे तो ये कलर डाल सकते हैं, येलो कलर, ये तकरीबन 1 drop ही डालेंगे हम, ये तकरीबन जस्ट। इसको भी हम उसी तरह मिक्स करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है जी, ये हमने दोनों कर लिए हाफ हाफ और दोनों की मिक्सिंग होगी। अच्छा व्यूअर्स, अगर किसी को ये चॉकलेट के साथ, कोको पाउडर के साथ कॉफ़ी का फ्लेवर भी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल सकते हैं, जो आपने दूध मिक्स किया है उसी दूध में आप कॉफ़ी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको पसंद है। लेकिन मेरे हाल से मतलब 1 pinch कॉफ़ी है, उसका हल्का सा फ्लेवर और वो उसका अरोमा आ जाएगा कॉफ़ी। व्यूअर्स, ये अब हमने अपनी ट्रे में लाइनर कप लगा लिए, ये देखें जी। चलो जी, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपना बैटर डालते जाएंगे।
अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने सारे इस पे डाल दिए है, डेकोरेट कर दिया है इसको, आपकी मर्जी, आप इसको सादा भी रहने दे सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा ये मैंने ये इस पे ये शुगर बॉल है, ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये डाल सकते हैं, या ये मिक्स ये कलरफुल ये शुगर स्प्रिंकल है। ठीक है जी, डन हो गया। अब हम इसे लेके जाते हैं अपने जो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, हमने जब से ये शुरू किया है तब से हमने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें डालते हैं। चलें जी, ठीक है। अब आपने टाइम नोट कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर इसे और ज़रूरत हुई तो फिर हम इसे और टाइम दे देंगे। फ्लेम मीडियम, डेट्स इट। अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हाँ जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखें हमें तकरीबन 10 से 11 मिनट हो गए हैं, और ये माशाल्लाह देखें ये अंदर के हालात कितने सोने सोने, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है वनीला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ। अब हम इसे चेक करते हैं, वाओ जबरदस्त। सारे सारे छोने छोने हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब हम इसे इसी तरह, अब हम इसे निकालेंगे नहीं, फ्लेम को करेंगे ऑफ। ये जी बंद हो गया जी। अब हम इसे इसी तरह इसे तकरीबन 10-15 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है जी। के हमने अपनी ट्रे से निकाल ली है, ये देखे, ये मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, ये जबरदस्त अभी तक ये देखे सॉफ्ट हैं, बड़े मजे के। जिस जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी वो बनाए और मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह मुझसे फरमाइश करते रहें, और मैं आपके ऐसे काम आती जाऊं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा फूल है, ज़बरदस्त। अभी ये गर्म है, लेकिन मैं फिर भी आपको खोल के दिखाती हूँ। आप इसी तरह इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा जी, ये मुझे रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आई थी, सबसे पहले नवाल। नवाल बेटा, ये आपके नाम का, ठीक है जी। उसके बाद जुनैरा थी, और एक 2-3 बच्चियाँ थी, मुझे सबके नाम याद नहीं है। और एक मेरी फैमिली में से थे, मेरी भतीजी हैं, उन्होंने मुझे कहा था, ठीक है जी। ये नबीहा के नाम का। अच्छा सुनहरा बेटा, ये देखें जी, आपने बनाने हैं मेरे बच्चों ने, और मुझे ज़रूर कमेंट करने हैं, और भी कोई फरमाइश हो तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है जी। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त।